सोना दीदी ले आ रहे हैं झाड़ू। इन्होंने आलू उबाल दिया है और नाश्ते में बना रहे हैं आज आलू के पराठे। वो देखिए अंदर कमरों में तो कर दिया है साफ सफाई सी और बाहर कर दिया है। तो इतने में आटा बना लेती हूँ और आलू छील देती हूँ, ठंडे करने के लिए रख देती हूँ इन्हें। और पापा जी देख रहे हैं टीवी अंदर। इधर मैंने आटा छान कर रख दिया है, आटा में नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि परांठे बना रहे हैं ना आलू के। तो इधर मैंने आलू उबाल दिया है सोने दीदी ने, और सामान भी तैयार कर दिया है। यहाँ पर रखा है तेल, यहाँ पर देखिए प्याज है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। तो इन्हें मिला के आलू में, पहले आलू छील देती हूँ, आटा तो जब भी बना दो साथ के साथ ही। और यहाँ पर देखिए सोने दीदी पराठे बना रही है, आज चूल्हे पर बना रही है लकड़ी में। देखिए आइए आप दिखा लीजिए चाय पराठे गरम गरम। और चटनी भी बनाई है सोना दीदी ने रात, कल चटनी भी बनाई थी। लो चाय गरम कर दो। और इधर उठे हैं जीजा जी, क्या आज वे जा रहे हैं उन्हें तो पराठे नाश्ता तो कर लो, मुंह तो धो लो पहले। आइए आप भी खा लीजिए गरम गरम पराठे सोने के हाथ के। अच्छा रोज तो पूजा के हाथ के खाते हो, ये देखिए। पर मेरे पास सिंगल पराठे बनाने नहीं आते, मेरे पास डबल ही पराठे बनाने हैं। नाश्ता दे देती हूँ पहले और इनका खाना पैक कर देती हूँ टिफिन में, लेकर चल जाएगा ना वे। इसलिए तो जल्दी जल्दी करके बना ले, 8:15 हो गए। तो लाओ पहले नाश्ता दे दूँ मैं, आप बना लो। तने चाय मैंने गरम कर दिया है, पापा जी को चाय दे देती हूँ। लहसुन प्याज की तो है नहीं। और हरा धनिया प्याज हरी मिर्ची। देखिए पराठे है, चाय है और चटनी, आप भी खा लीजिए नाश्ता गरम गरम। और चटनी देगी यहाँ पर बना कर आके देती है सोने दीदी ने रात। देगी कई दिन लो बतेरी हमें ये चटनी, और इसे ना फ्रिज में रख देती हूँ, वैसा ख़राब तो होने के नहीं फ्रिज में दरी हुई। वो पापा जी बैठे हैं यहाँ पर बरामदे में। जीजा जी खाते पराठे खाओ जी आज, फिर बोल रहे हैं कि पराठे बड़े नहीं बनने। क्योंकि दिल्ली में अकेले रोटी बनावे ना ये, अरे वाह बढ़िया गोल बना दी, अरे वाह क्या कहने ये। अच्छा मौज ही करते हैं तो बिल्कुल गोल बना दे। देखियो अरे पिट्ठी बढ़िया लग रही है, पिट्ठी भी दिख रही है अलग से जी। इस तरह करके नो बना करो मम्मी बना कर दो जी। जीजा जी के तरीके से बना रही सोने दीदी जो पराठे जैसे जिंदी जर बनाते हैं ना ऐसे बना रही। देखिए उन्होंने एक पराठा बना के दिखाया यार, मेरे पे आ गए आप बना दिया देख मैं सही। आलू के पराठे तैयार है जी, आप भी खा लीजिए आलू के पराठे। और जीजा जी ना लिए हैं, मैं भी ना लिया हूँ, और अब खाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे का नाश्ता चल रहा है जी, उजला है मिर्च, मिर्च का अचार। एक और रख दो बस। Thank you.
अब हम आए हैं मेडिकल स्टोर पे यहाँ से दवाई लेने के लिए, और अनिल चाचा जी यहीं पर है, उन्होंने दवाई दवाई है सोनी दीदी के लिए, एलर्जी सी हो रही है क्या, तो एलर्जी की दवाई दवाई है। दो लाइको केयर सिरप, देखे जी जय लाया सोने दीदी की दवाई, और देखे कितनी सारी दवाई, अरे ये वाले तीन कैप दवाई है, खोल निकाल के देखो दवाई होगा थैला भर लिया, और मैं तो दवाई खाती भरती बहुत परेशान होंगी, पाँच चार इंजेक्शन दो दवाई के तीन, हाँ तो मैं तो आपकी इंतजार कर रही थी, इंजेक्शन है ये ट्यूब है तो जब आराम है तो ले लंबे तो चाहिए, और इधर डाल दिया है कपड़े मशीन में, और इधर चलने की है तैयारी, अभी बजे 10:30, उधर से भी 10:30 बजे चले थे, क्या थे 11 बजे चले हम, इधर से 11 ही बज गए थे, नु समझ ही गई, इधर तो 10:30 बज भी गई पूरी से, नहीं बंद हूँ बैग, इतना सामान तो है नहीं, मुझे बादल हाथ में ले जाओ हाथ में गुल्ला कर लेकर बैठा चल जाएगा, बैग के ऊपर कैसे कर बैग में बंद होगी, देखिए बाइक पे ही बंद लगे, पूरी दा चलने की हो रही है तैयारी, की तो कादा नहीं भेजने को ऊपर मजबूरी में जाना पड़ रहा, आप तो रह लेते जी जाइए भेज दो बाइक लेकर, मेरे को बाइक चला के जाती है, बस तो चले जाओ, बस तो चले जाऊंगी यहाँ, बस तक तो जा सकते, 200 रुपये दे दो किराए के बस छुट्टी, 50 में चले जाइयो, मैच ही मिल दे तो देर लग रहा है, आप उड़ीसा देखिए ये भी चल दिया है सोने दीदी के साथ, चलो ये सुत्ती चुननी बढ़िया, अपना कैसे ही उड़ गए चलो, इसे तो आ जान दो बांधते हैं बैग बाइक पे, आराम से उतर ते दू कर दी, मैं तो हूँ बड़ी भैया, कपड़े ही है बस इनमें तो, आराम से बांध दो, ध्यान से रखते रहियो, आराम से जाइए आराम से, यार फोन कर दियो, था सारा, वो देखिए साफ सफाई भी कर देती, जे सोने दीदी भी जा चुकी है आज अपनी ससुराल, और मैं अकेले रह गई, और यहाँ पर नीचे सो रही है, तो मैं चलती हूँ ऊपर खाना खाती हूँ, क्या सुबह से ना बस चाय पीती, नाश्ता भी नहीं करती, आज सोने दीदी और मैंने तो पराठे बनाए थे मिल के, तो जब मैंने चूल्हा भी साफ़ करता, बस चूल्हा लेपना है, बर्तन भी साफ़ कर दिया, और रसोई में कपड़े धोऊंगी मैं थम गया, क्योंकि सोने दीदी यही है ना अभी, तो कपड़े इसलिए नहीं धो रही, इन्हें ना बस पानी में को निकाल कर रख देती हूँ ये वाले कपड़े, और ये रह रहे हैं, इन्हें थम कर धोऊंगी ये, तो अभी बज गया 11, और काम निमट चुका है मेरा सारा, और आज खाली हो गए घर में, कि जब सोने दीदी आती है जब तो मन सा लग जाता है बढ़िया वाला, और जब जाती है ना जब उदासा हो जाता है पहुँच जाते मन अकेले से रह जाती हूँ, जब दो जने हो जाते हैं ना दो बंदे तो मन इतना खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, आज जिस दिन भी चले जाते हैं ना उस दिन मेरा इतना मन सा उदास सा हो जाता है, कुछ तो मम्मी नहीं है और कुछ भाई यार भी बाहर चले जाते हैं, और देखते हैं भाई मन तो ले जाना पड़ेगा, दो चार दिन के लिए आ जाती है दीदी कोई बात नहीं, यहाँ भी देखना पड़ता है, और मन आज बहुत ज़्यादा मन उदास हो रहा है, कोई बात नहीं मन तो ले आना पड़ेगा ही, थोड़ी देर में भाई आ जाएगा, इनकी तो भाई ड्यूटी पे सपना वो सामान लेने के लिए जा रहे, केवे चिड़ के ले आ गया ना, तो अंकल जी आ गए आज तो सामान लेके आ रहे हैं बुढ़ाने से,
ये अति पर ना तो अंकल जी का फोन आ रहता भाई पे, तो क्या रहते सामान लेके जाना है, तो सामान ला के, सामान ला के जब काम शुरू होगा बस ऊपर का रह रहा है कि ये खिड़की रह रही है और ये वाली और रसोई की, बस ये तीनों रह रही है। और मंदिर बनवाना है, जो पूजा वाला मंदिर है वो बनवाना है। खाले तू पहले खाना, इसके बाद में करना है मुझे आराम। तो आज भी कुछ सामान लेने के लिए आया है अंकल, सामान उतरवा गया है तो देखे इधर सामान और ये खड़ा अंकित आएगा, ये सामान हो गया जी, और पलाई है कुछ और भी है तो गोदाम में से लेंगे। तो दो किताब है देखिए, पर्चा बन गया फिर 13,000 रुपये का जी, और अंकित 13,000। तो सामान हमने निकलवा लिया है, कुछ सामान गोदाम पर जाएगा। शीशा कौन से लेने हैं, शीशे बारजे वाले शीशे कौन से हैं जी, बारजे वाले शीशे ये है, हैवी वाला सबसे हैवी विंडो पे लगाना है। हाँ विंडो पे। क्या रेट पड़ गए वो 150 रुपये लाले जी कितना बता रहे थे, और ये वाला कौन सा, ये 80, ये तो वैसा है, वैसा कैसा है, ये डिजाइनदार है, इसमें काला भी है, लाला जी ने काला बताया था ना, काला है दिखे है। दो साइड कौन सा है, हाँ काला भी है, सारे दो साइड के हैं। अच्छा दो साइड के हैं, जब अंदर से देखेंगे ना ये साइन नहीं मिल रहा जी। अच्छा ऊपर का तो दिख नहीं रहा इसमें, मगर इसमें साइनिंग वाला है ना, दो अभी तो सारा ऊंचा है ना, इधर सारा ऊंचा लगा दो, जब लग जाएगा जब नहीं चमकना कुछ भी। हाँ अभी यहाँ सारा खुला है। हाँ ज़्यादा महंगा हो जाएगा, हाँ ये लगा लो 65 किलो का ले लेंगे, कौन सा लेना, काला ले लो लेना, यो नीला काले वाला, काले वाला ले लेंगे, नहीं यो लील यो वाला लीला था, यो काला है, चलो यानी दूसरे इसका ना एप्पल उड़ कर दो, जो ज्यादा वजन हो तो मैं फिर बेहतर बेहतर करूंगा, दूसरे वाला तो जो पहले लेके थे हम एप्पल गई पलाई हमारी, और 4 पलाई आए ले लिए, चलो आओ मंदिर तो मंदिर सामान है इसमें, 13,000 रुपये सामान है, 13,000 रुपये अभी टूट जाएगी, रिक्शा भी आ जाए, चलो